आज एक खास एक्सपेरिमेंट करेंगे, यूनिक रैपिड एक्सपेंशन केमिकल के बारे में सीखेंगे, ठीक है बच्चों? ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल है, तो इसकी दो ही बूंदे काफी है बच्चों। सबकी बारी है एक्सपेरिमेंट करने की, चलो अपनी जगह बैठो। सबके सब गॉगल्स पहन लो। केमिकल वाई अपने टेस्ट ट्यूब में डालकर बर्नर पर रख दो और अब सब ध्यान से सुनो। उसके बाद दो ड्रॉप्स केमिकल एक्स के भी टेस्ट ट्यूब में डाल दो बच्चों। ओबेद, सॉरी अली सर, ये एक हादसा था। ओबेद, तुम्हें केमिकल्स की इज्जत करके रूल्स फॉलो करने चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो सुनो बच्चों, जो केमिकल्स लिए उन्हें लौटा दो, मंडे मिलेंगे। कैसे हो बच्चों? हम ठीक है दादाजी। बताओ, क्या तुमने स्कूल में मजे किए कि नहीं? हाँ बिल्कुल दादाजी, हमने आज स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ हमने दो केमिकल मिलाकर साइज दुगना कर दिया। पर फिर उबैद ने साइज तीन गुना ज्यादा कर दिया, उसमें केमिकल डाल के, वो भी बहुत सारा। बेटा उबैद, बड़े दुख की बात है, अगर तुम केमिकल लाते तो हम कुकी को बड़ा कर देते। वैसे ये बहुत टेस्टी है और मुझे भूख भी लगी है। रुको रुको, अरे कुकी चाहिए, रुक जाओ। हेलो दोस्तों, क्या तुम सब अपने बैग्स अंदर रखना चाहोगे? जरूर, बढ़िया आइडिया है, तो चलो। ये लो। शुक्रिया शुक्रिया। ये कैसी खुशबू है? इसकी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, टेस्ट भी अच्छा है। कौन चखना चाहेगा? ये क्या है? ये यहाँ कैसे आया? ये लो उबैद। शुक्रिया। बहुत टेस्टी है, काश मैं और खा पाता। बेटा उबैद, बड़े दुख की बात है, अगर तुम केमिकल लाते तो हम कुकी को बड़ा कर देते। एक बूंद। मैंने अभी एक बड़ी समझदारी का काम किया है। उबैद, ये क्या किया? उबैद, तुमने कितनी बूंदें डाली? शायद दो या चार। फिर उबैद, उबैद, जल्दी जल्दी गैस बंद करो। यहाँ से बाहर निकलते हैं। क्या हुआ बच्चों? ये आवाज कैसी? ये सब क्या हो रहा है? पार्टी अच्छी, माफ कीजिएगा, पता नहीं था कि हरीश कम पड़ जाएगा। ओ नहीं, अब इससे बुरा और क्या हो सकता है? देखो मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। अब हम लाइव आ रहे हैं एक गार्डन पार्टी से, जहां पर दुनिया के सबसे बड़े तादाद में हरीश इस घर से निकल रहा है। हमें डर है कि कुछ ही मिनटों में ये पूरे शहर पर कब्जा कर लेगा। हमें अंदाजा नहीं ये कैसे हो गया या कब खत्म होगा, और कोई आइडिया नहीं इसे कैसे रोका जाएगा। पर इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मंसूर,
ओबेद, सालम, जो खबरों में आ रहे उस बारे में मुझे कुछ बताओगे? और लैब में एक बॉटल केमिकल एक्स मिसिंग है। सर, वो एक हादसा था, वो मेरे बैग में गिर गई और। हाँ तो वो हरिस में कैसे जा पहुँची? मैंने खुद डाल दी थी पूरी की पूरी। ओबेद, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? मैं तो बस इतना हरीस बनाना चाहता था कि सारे के सारे खा लेते। सर, मेरे इरादे अच्छे थे। क्या तुमने गैस बंद कर दी? नहीं, हमने कोशिश की पर हम गैस के पास नहीं जा पाए। अगर हमने उसे बंद नहीं किया तो वो बढ़ता ही जाएगा बच्चों। क्या हम इस एक्सपांशन को रिवर्स कर सकते हैं सर, किसी और केमिकल से और एक कूलिंग एजेंट की मदद से? हाँ, ऐसे हो तो सकता है। नानो, क्या तुम एक्सपांशन के रिवर्सल रिएक्शन के लिए केमिकल इक्वेशन भेज सकते हो? समझे, हो गया। शुक्रिया नानो। हाँ देखिए सर, हम ये कर तो सकते हैं पर उसके लिए हमें स्कूल लैब जाना होगा, तो चलो। अब चलो भी। देखकर रास्ते से हटो, इमरजेंसी है। ओके, केमिकल वाई एक्सपैंडिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कूलिंग एजेंट। हाँ, हमने कर दिखाया। ये एक घटने वाला कंपाउंड है, कूलिंग एजेंट के साथ हम जीनियस है। सही कहा, चलो चले। हरी सबे फैलता जा रहा है, गार्डन की दीवारों से फिलहाल काबू में है पर हमेशा के लिए नहीं। भागो, रास्ते से हटिए। हे, क्या तुम लोगों ने हरीस को श्रिंक करने के लिए कोई केमिकल ढूंढा? ये करने के लिए हमें इस केमिकल को पहले उस बर्तन में डालना होगा। पर ये कैसे करेंगे हम? मैं अंदर जाने के लिए सारा खा जाऊंगा। ओबेर, तुम तो छुपी रहो। मुझे मिल गया, हम नानो को भेज सकते हैं और वो इसे ऊपर से नीचे गिरा देगा। नानो, शम्मा के घर के ऊपर जाओ, ये एक इमरजेंसी है। नानो, इसे हरीज पर छिड़क दो। ठीक है मंसूर। नानो, अब हम क्या करेंगे? मेरे पास ये आखिरी ट्यूब बची है पर मुझे अब भी नहीं पता कि हम इसे किचन तक कैसे ले जाएंगे। बच्चों, हाँ, क्या आपको स्टोरी चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। तो फिर आपको मुझे वहाँ पहुँचाना होगा। यह है लाइव अपडेट हरीस की दहशत से सीधा आपके घर तक। मेरे साथ आज मौजूद है मंसूर, जो इस घर के मालिक को जानते हैं। इन्होंने केमिकल की खोज की है जिससे हरीस का कहर खत्म हो जाएगा, हरीस से शहर को बचाया जा सकेगा। ये तैयार हो रहे हैं इस काम को अंजाम देने के लिए। सेफ्टी वेस्ट चेक, चेक सर। हेलमेट पहन लिया सर। और स्नॉकल वाली गॉगल एकदम फिट है। केमिकल रेडी है? रेडी, मैं अब अंदर जा रहा हूँ। अब वक्त आ चुका है दर्शकों, ये अंदर जा रहे हैं। बहुत ही गंभीर पल है, मंसूर ने पोजीशन ले ली है। मंसूर हरीस में उतर गए हैं। ये बहादुर और जाबाज नौजवान इस घर के सेंटर तक हरीस को लांघते हुए अपनी राह बनाएंगे ताकि इस केमिकल को छोड़ सके। क्या ये कर पाएंगे? उन्होंने कर दिखाया है, ये काम कर रहा है और हरीस अब श्रिंक हो रहा है। वक्त है मौसम की जानकारी का, आपको स्टूडियो ले चलते हैं। तुम ठीक हो? क्या बात है मंसूर। उबैद, अगली पार्टी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। नानो, शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ, मेरे सर्किट में वो नहीं जमा। शुक्रिया। तो ओबेद, उम्मीद है तुमने सबक सीख लिया। हाँ बिल्कुल सर, आइंदा मैं कभी भी केमिकल से मस्ती नहीं करूँगा। ओ तेरी की, इसे जल्दी पी लो मंसूर।